सिविल एविएशन के बकाया जात अदा न करने का मामला, तमाम एयरपोर्ट्स पर शाहीन एयरलाइन के दफ्तर सील कर दिए गए। इस बारे में तफसीलात क्या हैं, राना मोहम्मद अली से जानते हैं। राना मोहम्मद अली, बताइए क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी, सिविल एविएशन और शाहीन एयर के दरमियान गुज़िश्ता 2 माह से ये तनाज़ा चल रहा था, क्योंकि अरबों रुपए की नानहिंदा है। शाहीन एयरवेज़ को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन शाहीन एयर की जानिब से 1 रुपया सिविल एविएशन के अकाउंट में जमा नहीं करवाया गया। चंद रोज़ कबल ये भी खबर नशर की हुई थी कि शाहीन एयरवेज़ को एक सऊदी की पार्टी ने खरीद किया, लेकिन उस हवाले से भी जो इनकी आपस में बातचीत हुई, उस हवाले से भी सिविल एविएशन को आगाह नहीं किया गया था। जिसके बाद आज सिविल एविएशन ने तंग आकर मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट से शाहीन एयर के दफातर सील कर दिए। उनको बकायदा तौर पे सील करने के बाद मुलाजमीन को हदायत जारी की गई है कि वो किसी किस्म का कोई मुलाजिम शाहीन एयर का एयरपोर्ट हदूद में दाखिल नहीं होगा। लाहौर एयरपोर्ट पे भी यही कंडीशन है, जबकि लाहौर समेत कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, जहाँ जहाँ पे इनके शेड्स हैं, जहाँ जहाँ पे इनकी मुलाजमीन के लिए दफातर बनाए गए थे, वो तमाम सील कर दिए गए। सिविल एविएशन हुकाम का ये भी कहना है कि तमाम जो मुसाफिर हैं जिन्होंने शाहीन एयरवेज से अपनी टिकटें करवानी हैं, वो अपनी टिकटें मत करवाएं, क्योंकि इनको जहाज़ ऑपरेट करने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक ये अपने वाजिबात अदा नहीं करते। जी राना मोहम्मद अली, शुक्रिया आपका।